पहले आते, पहले तो हम अपना क्रॉस तैयार करते हैं, हम किसको क्रॉस करें। ठीक है, हमने क्या किया, हमने करेक्टर लिया यहां पे सीड शेप। ठीक है, नोट करते जाना के मेरे साथ के, क्योंकि कई बार क्या होता है स्क्रीन से गायब है एकदम से, इसलिए आप नोट करते जाना मेरे साथ साथ में। ठीक है, सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है, सीड कलर येलो एंड ग्रीन। ठीक है बेटा, है ना। ठीक है, हमने क्या क्रॉस किया, हमने क्रॉस किया, हमने एक सीड लिया, वो एक प्लांट लिया हमने, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब ये कैपिटल आर कैपिटल वाई क्यों लेंगे, हम क्रॉस करके देख चुके थे। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, सिंपल बोलेंगे, एक प्योर राउंड सीड और येलो सीड वाला प्लांट लिया, एक प्योर हमने रिंकल्ड सीड और ग्रीन सीड वाला प्लांट लिया, F1 में सारे हमको जो है राउंड और येलो मिले, इसका मतलब राउंड येलो डोमिनेंट फैक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक प्लांट लिया जो जिसके अंदर जो होमोलेगस प्लांट था राउंड येलो सीड प्रेजेंट थे, इसे क्रॉस किया हमने स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई के। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर थे रिंकल्ड ग्रीन सीड थे इसके अंदर। ठीक है ना बेटा, रिंकल्ड ग्रीन सीड इसके अंदर थे, क्लियर। ठीक है, अब देखो गैमिट कैसा बनेगा यहां पे, यहां पर जब गैमिट बनेगा, गैमिट में गैमिट कैसे बनेगा बेटा, होगा मियोसिस। ठीक है, होगा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस हुआ तो क्रोमोसोम नंबर पहले से आधा रह जाएगा, हैप्लॉइड सेल बनेगा, गैमिट बनेगा। ठीक है, मियोसिस होगा उससे गैमिट बनेगा। ठीक है, अब देखो बेटा गैमिट बनाने के नियम दिमाग में डाल लेना, अदरवाइज गलती करोगे एग्जाम में। ठीक है, नंबर एक, गैमिट जो होता है पेरेंट, जो भी पेरेंट का जीनोटाइप दे रखा होता है, पेरेंट के जीनोटाइप में जितने भी जीन्स होंगे उसका ठीक आधा संख्या में जीन होगा गैमेट के अंदर। मतलब यहां पे चार क्रोमोसोम चार जीन दिखाई पड़ रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, चार जीन दिखाई पड़ रहे हैं, तो गैमेट में दो जीन होंगे, कोई डाउट नहीं इसमें। दूसरा, गैमेट के पास में एक जोड़े का केवल एक जीन होगा, दो आर एक साथ नहीं जा सकते, दो वाई एक साथ नहीं जा सकते, मतलब क्योंकि जोड़े होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं म्यूसिस में, और वो फिर अलग अलग होते हैं अपोजिट पोल पे आते हैं, तो कभी भी दो आर एक साथ नहीं जाएंगे, दो वाई एक साथ नहीं जाएंगे। क्या मतलब, एक जोड़े के दोनों जीन एक साथ एक गैमेट में नहीं जाते हैं, वो अलग अलग सेग्रीगेट कर जाते हैं। दूसरा नियम, तीसरा नियम यह है कि आपको दिमाग में रखना है इस बात को कि नंबर ऑफ गैमेट टू टू द पावर एन, एन मतलब नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन, यदि होमोजाइगस पोजीशन तो एक तरह के गैमेट बनेंगे, क्लियर। तो यहां पे क्या देखा, यहां पर कैपिटल आर होमोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल वाई होमोजाइगस कंडीशन, मतलब वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, और गैमेट में दो आर एक साथ नहीं जाएंगे, दो वाई एक साथ नहीं जाएंगे, मतलब एक आर और एक वाई साथ में जाएगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक गैमेट बन गया है। ठीक है, दिस इज दी गैमेट, ये गैमेट बन गया, ठीक है ना, क्लियर। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, दो आर एक साथ नहीं जाएंगे, दो वाई एक साथ नहीं जाएंगे, एक आर एक वाई जाएगा, और होमोजाइगस कंडीशन है, वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, तो ये भी गैमेट बन गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये यहां पर गैमेट बन गया, ठीक है ना। अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ, ये मैंने कहा ये हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बना F1 जनरेशन, ये F1 जनरेशन फर्स्ट पीढ़ी बना F1 जनरेशन। ठीक है, और ये क्या था बेटा, जो जिसको क्रॉस किया था हमने, ये क्या था, ये था पेरेंटल, ये था पेरेंटल जनरेशन, पैतृक पीढ़ी। ठीक है, और ये F1, अब बताओ अब क्या हुआ, रिजल्ट का देखा हमने, देखा F1 में हमको जो प्लांट मिले, ऑल हैव ऑल आर ऑल राउंड येलो सीडेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ, राउंड सीड जो है रिंकल्ड सीड पर डोमिनेंट है, और येलो सीड जो है वो ग्रीन सीड पर डोमिनेंट है। F1 में सारे के सारे प्लांट कैसे मिले हमें, राउंड येलो सीड वाले मिले, कोई डाउट इसमें, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है ना बेटा। फिर क्या किया हमने, हमने F1 का हमने कराया सेल्फिंग, हमने F1 का कराया यहां पर सेल्फिंग,
सेल्फिंग का मतलब है सौ परागण कराया हमने इस करके, ठीक है, आपने खाली चेहरा लगा सेल्फिंग कट रहा है थोड़ा सा आपका, तो एम ने कहा तो एफ सेल्फिंग कराया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या किया आपने, आपने डायहेबिट कॉस में आपने, सुनो बात को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि फंडा क्लियर रहे, क्योंकि इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे, डायहेबिट कॉस में हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक बार में दो जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया हमने, ठीक है। एक कैरेक्टर लिया हमने सीड कलर, एक लिया हमने सीड शेप। सीड शेप में राउंड और रिंकल दो तरह का शेप था। एफ वन पीढ़ी में हमको राउंड सीड मिले, तो हमने कहा राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है, रिंकल रेसिव कैरेक्टर है। फिर सीड शेप कलर की बात की हमने, कहा येलो और ग्रीन सीड वाले प्लांट को क्रॉस कराया, प्योर प्लांट को क्रॉस कराया। F1 में सारे के सारे हमको येलो सीड मिले, मतलब येलो इज ए डोमिनेंट कैरेक्टर के। तो जब आपने राउंड येलो सीड वाले प्योर होमोजेगस प्लांट को आपने रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले प्योर होमोजेगस प्लांट से क्रॉस कराया, तो जो है F1 पीढ़ी में आपको सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, राउंड येलो सीड वाले मिले। डबल हेटेरोजेगस कंडीशन दिखाई पड़ रही है F1 में, कैपिटल R स्मॉल R एक हेटेरोजेगस कंडीशन, कैपिटल Y स्मॉल Y दूसरी हेटेरोजेगस कंडीशन, डबल हेटेरोजेगस कंडीशन दिखाई दे रही है बेटा हमको, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इस सेल्फिंग को हम आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, हमने कहा कि यहाँ पे हमने कहा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, इसको क्रॉस किया हमने किससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सेल्फिंग कराया ना हमने यहाँ पे, ये एफ वन प्लांट का, हम एफ वन प्लांट की हम क्या करा रहे हैं, सेल्फिंग करा रहे हैं इसकी हम, ठीक है, एफ वन की हम सेल्फिंग करा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर बड़ी ध्यान से बात सुन के, कई सारे बच्चे यहां पर गैमिट गलत और गैमिट गलत बनाते हैं, और यदि आपने जेनेटिक्स के क्वेश्चन में गैमिट को गलत बनाया तो आप क्वेश्चन कभी सही नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो गैमिट बनाने के नियम मैं बार बार दोहरा रहा हूं, गैमिट बनाने का नियम नंबर एक, सबसे पहले ये काउंट देखो कि पेरेंट के पास कितने जीन है, 1 2 3 4 जीन है। गैमिट में इसके आधी संख्या में जीन होंगे, मतलब गैमिट के पास में जो है वो दो जीन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, कितनी जगह पर हेटेरोजाइगस पोजीशन है, हमने कहा एक हेटेरोजाइगस पोजीशन ये है और एक ये है, कि दो हेटेरोजाइगस पोजीशन है, कैपिटल आर स्मॉल आर एक हेटेरोजाइगस पोजीशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो हेटेरोजाइगस पोजीशन। फॉर्मूला है 2 to the power n, मतलब कितने टाइप के गैमेट होंगे, आपने 2 to the power n में n का वैल्यू 2 रखा आपने, तो आगे आपका 2 into 2 = 2, मतलब हो गया 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अब देखो आपने पूरे कंक्लूजन निकाल के गैमेट बनाएंगे, कंक्लूजन निकाल कर गैमेट बनाएंगे, कभी गलती नहीं होगी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि पेरेंट के पास 4 जीन थे, क्योंकि गैमेट बनाना नहीं सीखोगे तो गलती करोगे, इसलिए गैमेट बनाना सीख लो। मैंने कहा गैमेट के पेरेंट के पास में 4 जीन है, तो गैमेट में म्यूसिस के बाद 2 जीन रह जाएंगे, और 2 जीन रहने में अब आपको पता है कि चलो ये तो समझ में आया गैमेट में 2 जीन होंगे, गैमेट कितने प्रकार का बनेगा ये पता लगाने के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया 2 to the power n। n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन, यहां पर 2 पोजीशन देखने मिल रही, कैपिटल आर स्मॉल आर है एक पोजीशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई दो पोजीशन, ठीक है। तो 2 to the power 2 = 4 तरह गैमेट बनेगा। और तीसरा नियम गैमेट बनाने का ये कि 2 R एक साथ नहीं जाएंगे, 2 Y एक साथ नहीं जाएंगे, 2 R एक साथ मूव नहीं करेंगे गैमेट में, 2 Y एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब RR का जोड़ा एक साथ गैमेट में नहीं जाएगा, YY का जोड़ा एक साथ गैमेट में नहीं जाएगा, ये तीन नियम तुमको मालूम चले, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके आधार पे हमने अब हम कंक्लूजन निकाल के हम आगे जो है वो बनाकर देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलिए बनाकर देखते हैं इसको हम, है ना, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मिटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करे ये फिगर हमको, ठीक है। हमने यहाँ पे आप देखो, अब गैमेट बनाते हैं, हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पर हुआ मियोसिस, ठीक है, ये हुआ मियोसिस, ठीक है, गैमिट बनेंगे। अब गैमिट में आपको पता है 4 प्रकार के गैमिट बनेंगे, आपने क्या किया, आपने कहा कि चलो 4 तरह गैमिट बनेंगे, तो हमें पता, हमने कहा 1 2 3 4 4 तरह गैमिट बनेंगे, यहां भी 4 तरह गैमिट बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने कहा 4 तरह के गैमिट। अब ये किस तरह के गैमिट होंगे, अब देखो ये तो 4 तरह फॉर्मूले से निकाला हमने, 2 to the power n, n का वैल्यू 2, ठीक है। अब हमें पता है हर गैमिट में 2 जीन प्रेजेंट रहना चाहिए, हर गैमिट में 2 जीन प्रेजेंट रहना चाहिए, पेरेंट में 4 जीन है ना, 2 R एक साथ नहीं रहेंगे, 2 Y एक साथ नहीं रहेंगे। अब क्या पॉसिबिलिटी बनी, पॉसिबिलिटी यहां पर ये बनी, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल Y, देखो है ना, 2 R एक साथ नहीं है, 2 Y एक साथ नहीं है, अलग अलग मूव करें, फिर स्मॉल R कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, आप बता दो पांच भी कोई पॉसिबिलिटी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये है कि आपके पास संभावना क्या है कि गैमिट जो है वो ऐसे बनेंगे, पेरेंट में 4 जीन है, म्यूसिस के बाद गैमिट में 2 जीन रह जाएंगे, और एक जोड़े के दोनों जीन एक साथ नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब एक आर को एक वाई के साथ जाना पड़ेगा। तो 4 पॉसिबिलिटी यहां पर आ गई, यहां पर अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई,
कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये हो गए गैमिट, दीज आर दी गैमिट्स, ये हो गए इनके गैमिट्स, ठीक है। तो गैमिट, अब गलती कई बच्चे क्या करते हैं, चार मालूम है क्या करते हैं गलती, गैमिट बनाएंगे एक आर एक स्मॉल आर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, ये बड़ी गलती होती है। यानी यहां पे गैमिट बनाया आपने केवल एक आर कैपिटल आर गैमिट बनाया, भाई कैसे बना दोगे आप जब पेरेंट के पास में चार जीन है तो म्यूसिस के बाद तो जीन का नंबर आधा होता है, 1/4 नहीं होता है, क्लियर, गलती मत करना, ठीक है। अब आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि चलो ठीक है ये तो हो गया हमारे पास में, अब हमको क्या करना है, हमको अब चेकरबोर्ड बनाना है, ठीक है। चेकरबोर्ड बनाने के लिए कितने खाने चाहिए हमको, चेकरबोर्ड बनाने के लिए हमको कितना, और पुनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड बनाने के लिए खाने कैसे निकालते हैं, कितने स्क्वायर बनाने पड़े, कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे कहा था। और मैंने जितनी बातें जेनेटिक्स में कही बेटा ये सब गांठ